नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो हिंदू धर्म के लिए सावन का महीना जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और सावन के महीने का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, जो सावन के महीने का जो सोमवार होता है वो सोमवार के दिन का बहुत महत्व होता है। लोग सोमवार के दिन अलग अलग मंदिरों में जाते हैं या फिर जो वैद्यनाथ जो धाम है अलग अलग धामों पे जाते हैं और वहाँ पे जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, और जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। अभी हम लोग हैं सिवान जिले में और सिवान में एक पंचमुखी महादेव मंदिर है, वहाँ पे अभी हम लोग है। आप पीछे देख रहे हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, भक्तों का पूरा भीड़ लगा हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए लाइन, बहुत दूर से लाइन लगा हुआ है। इतने श्रद्धालु, इतने भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। देख रहे हैं कितने श्रद्धालु, कितने भक्तगण, महादेव कितने भक्त यहाँ पे आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, भगवान को जल अर्पित करने के लिए। ये देखे, ये यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, ये लोग यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं। और आइए हम अंदर आपको परिसर में ले चलते हैं, मंदिर परिसर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ से, यहाँ जो कुआं है इस कुएं से लोग जल ले रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं। आइए, ये कुआं देखिए, इस कुएं से लोग जल ले रहे हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं वो इस कुएं से जल ले रहे हैं और जल अर्पित करने के लिए महादेव मंदिर में जा रहे हैं। ये देखिए जमावड़ा, देखिए जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी भक्त हैं, सभी यहाँ पे जल ले रहे हैं। और देख रहे कितना लाइन लगा हुआ है, कितना जमावड़ा है यहाँ पे, भक्त लोग बहुत भीड़ लगाए हुए हैं। देखिए एक भक्त है यहाँ पे, आप कब से पूजा करते हैं यहाँ पे? जब से हम लोग का होस्ट हुआ है तब से यहाँ पे आते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आकर लगता है, अपने आराध्य अपने महादेव से मिलकर। क्या बात है। और सावन का पहला समारी याद देखते हैं, तो सावन का पहला समारी जितना भी है बाहर होगा सब भक्ति बनती रहती है। सुबह 4 बजे से ही भक्ति हमें लाइन करने के चाहिए, माँ भक्त महादेव के जो भी पूरा मास्क जो पूरा हो सकती है। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त जो मांगते हैं उनके लिए पूरा अच्छा हो। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी भक्त जो भी मुराद मांगते हैं महादेव से, जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है, इसीलिए यहाँ पे इतना जमावड़ा लगा हुआ है, इतना भीड़ लगा हुआ है। आइए हम लेकर चलते हैं। देखिए और एक भक्त है यहाँ पे, महादेव की पूजा करने आई है। आपको इस मंदिर में क्या विशेष दिखा? यहाँ तो मंदिर पंचमुखी मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, आप रूपी शिव जी उत्पन्न हुए इसलिए यहाँ पे बहुत फेमस होता है, बहुत अच्छी पूजा होता है और भीड़ भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं। कहाँ का? पूरे सिवान से, और सिवान से बाहर से भी लोग आते हैं। सावन का महीना आपके लिए क्या विशेष महत्व रखता है? तो मैं मन्नत मांग के भोले बाबा के पास आए हूँ, भोले बाबा पूरा करे उसको, यही कमना लेके आए। हम लोग आए बहुत ये रहा है कि भगवान आप पर दया करें, आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण करें। आइए आइए दोस्तों, देखते हैं अंदर, देख रहे हैं जो मंदिर परिसर में इतना भीड़ लगा हुआ है, इतना जमावड़ा है। आइए, जो मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पे शंकर भगवान विराजमान है, वो ये मंदिर है। आइए दोस्तों, आपको भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। ये देखिए जो प्रशासन है, जो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा व्यवस्था रख रहे हैं। चलिए बाहर देख रहे हैं, मंदिर परिसर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो भी यहाँ पे प्रशासन है वो बहुत ही सख्त यहाँ पे व्यवस्था है। देख रहे हैं बिल्कुल मंदिर परिसर में बिल्कुल भीड़ नहीं हो रहा है। शिव जी का जो शिवलिंग है, जो यही है, यही शंकर भगवान विराजमान है और इनके पूजा के लिए दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। मनोकामनाएं हैं शंकर भगवान पूरा करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सख्त व्यवस्था है, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होने वाला है। जो भी भक्त है, जो भी यहाँ के कार्यकर्ता है दोस्तों, देख रहे हैं कि ये भगवान का जो शंकर भगवान की महिमा कितनी है। यहाँ पे लोगों का कितना अटूट विश्वास है कि इतना जमावड़ा लगा हुआ है और हर सोमवार के दिन यहाँ पे इतना ही भीड़ होता है और प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे सख्त व्यवस्था किया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, जो भी यहाँ पे देखिए मौजूद है, यहाँ पे व्यवस्था को लेके यहाँ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो किसी भक्त को,
इसलिए यहाँ पे प्रशासन द्वारा सख्त व्यवस्था किया गया है। आप लोग देख रहे थे दरवाजे पर, मंदिर के अंदर भी और विभिन्न जगहों पर भी प्रशासन द्वारा बहुत सख्त व्यवस्था किया गया है। जो भी भक्त यहाँ पे पूजा करने आए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। ये देखिए क्या है, आप कब से इस मंदिर में पूजा करने आते हैं? आज समझते हैं पूजा करने आते हैं और भगवान पर इनका अटूट विश्वास है, भोलेनाथ पर इनका अटूट विश्वास है। आइए, हमारे साथ हैं भाजपा के एक कार्यकर्ता, आईटी सेल सह संयोजक, उनसे हम बात करते हैं। आपके लिए सावन का महीना कितना महत्व रखता है? देखिए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो सावन का महत्व है, क्योंकि महादेव की कृपा से सावन में मेरा जन्म भी हुआ था। और इस मंदिर पे हम करीबन 8 साल से हर सावन में लगातार सोमवार को आकर दर्शन पूजन करते हैं। अगर कारणवश नहीं रहते हैं तभी नहीं आते हैं, नहीं तो रहते हैं तो निश्चित बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारे साथ यहाँ इतने मित्र भाई लोग हैं, सारे लोग आते हैं, सबको साथ में लेके आते हैं और पूजन होता है। और महादेव में हम लोग का अटूट विश्वास है और हमेशा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस मंदिर परिसर में एक संकटा माई का, हम लोग संकटा माई को जानते हैं, संकटा माई का भी एक मंदिर है, जैसे आप लोग सामने देख रहे हैं। और भी श्री अर्जुन पांडे जी, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। पंडित साहब, पहले आपको प्रणाम। पंडित जी, ये मंदिर की क्या महिमा है, इतने जो भीड़ हो रहा है और श्रावण के जो महीने का जो सोमवार है, इस दिन खासकर ज्यादा भीड़ होता है, तो आखिर इस मंदिर की महिमा क्या है और ये मंदिर कब स्थापित हुआ? मंदिर बहुत पुराने जमाने का है। जी जी, मूर्ति के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाता। अच्छा अच्छा, पंचमुखी महादेव शिव का मंदिर है। जी जी, सब लोगों का मनोकामना यहाँ, जो भक्त आते हैं जो मनोकामना के लिए उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं, लगता है। अच्छा अच्छा, आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? 40 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा, आप 40 वर्ष यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो ये भीड़ अभी शुरू हुआ है या 40 साल से ऐसे ही होता रहा है? नहीं, 15 साल से। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये मंदिर जो है वर्षों पुराना है, और ये यहाँ पे ये शिवलिंग कब स्थापित हुआ, यहाँ पे भगवान शिव कब विराजमान हुए, इसका पता, ये भी एक रहस्य है, इसका पता अभी तक कोई लगा नहीं पाया है। और ये पंडित जी जो महंत जी हैं, वो 40 सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और इनका कहना है कि 40 साल से नहीं, लेकिन ये 15-20 सालों से धीरे धीरे लोग भगवान की महिमा, शंकर भगवान की महिमा को जानते आए हैं, और 20 सालों से यहाँ पे खचाखच भीड़ हो रहा है कि इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम थे सिवान में, जहाँ पे पंचमुखी महादेव मंदिर है, और वहाँ पे हम दिखा रहे थे आपको कि यहाँ पे कितना भीड़ था, और यहाँ पे भगवान का आपको दर्शन कराए। और आज सोमवार की पहली सोमवारी है, आज ये सावन की। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको विभिन्न मंदिरों का दर्शन कराते रहेंगे, भगवान का दर्शन कराते रहेंगे। कैमरामैन आदर्श मिश्रा के साथ मैं विवेक बिहारी मिश्रा, न्यूज डिस्कवर इंडिया 20th सेंचुरी। जय हिंद, जय भारत।